हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है गैब्रियल संगमा। आज के वीडियो में मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ प्लेबैक एंड फीच को कैसे सेटिंग करें। दोस्तों, अगर आप यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो आपका मोबाइल में ना चाहते हुए भी वीडियो प्ले होता है और ये वीडियो ऑटोमेटिक प्ले होता है। आपका डाटा जल्दी जल्दी ख़त्म होता है और इसको सेव करने के लिए क्या सेटिंग करना है, मैं आज आप सबके बारे में उसके बारे में आज आप सबको सिखाने वाला हूँ। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले अपना मोबाइल का यूट्यूब ब्राउज़र को ओपन करना है। अपना यूट्यूब ब्राउज़र ओपन होने के बाद देखिए दोस्तों, जैसे कि अभी आप देख सकेंगे, ये ऊपर का वीडियो अपने आप प्ले होने लग गया है। इसको कहते हैं प्लेबैक एंड फीच। ये ऑन हो रहा है दोस्तों। मैंने इसको प्ले किया ही नहीं और ये वीडियो अपने आप प्ले होने लग गया। जैसे कि आपके मोबाइल में भी अगर आप यूट्यूब वीडियो को प्ले किया ही नहीं तो ये खुद इसे प्ले हो रहा है, तो आपका डाटा आपका ना चाहते हुए भी जल्दी जल्दी ख़त्म होता है। और ये डाटा ख़त्म हो, इसको सेव करने के लिए आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड कॉर्नर में नीचे में अपना प्रोफाइल को दबाना है। उसके बाद दोस्तों, राइट हैंड साइड कॉर्नर ऊपर में ये सेटिंग का बटन को दबाना है। उसके बाद दोस्तों, सेटिंग हो गया, ये जनरल को दबाना है। उसके बाद बीच में ये प्लेबैक इन फिट्स दोस्तों, इसको प्रेस करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं प्लेबैक इन फिट्स ऑलवेज ऑन, वाईफाई ओनली ऑफ। ये अभी ऑलवेज ऑन में है, इसलिए आपका मोबाइल का वीडियो खुद ब खुद प्ले होने लगता है। इसको आप नीचे जो ऑफ है इसको प्रेस कर देना है। अब देखिएगा दोस्तों, आपका वीडियो खुद ब खुद प्ले होना बंद हो जाएगा। इसको मैं अभी बैक कर देता हूँ, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, अभी कोई भी वीडियो प्ले होना बंद हो गया। दोस्तों, इसी तरह आप भी अपना डाटा को सेव कर सकता है और प्लेबैक फीचर्स को ऑफ कर सकता है। दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।